क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं हाफिज गुलाम नबी। बताइए आज जो निकाली आ रही है। आज ईद जश्न ईद मिलादुन नबी है। हम सभी लोग यहाँ खुशी से जमा हुए हैं और ये जुलूस जाएगा ईदगाह तक। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, तमाम लोगों को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक 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 मुबारक। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, पैदा होने का दिन है। तो उसकी खुशी में तमाम अहले इस्लाम, हर एक कौम, अल्लाह के नबी सब के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, हर चीज के लिए रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया, दरख्त का एक पत्ता भी ना काटो उसको भी तकलीफ होती है। आज हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और दुआ करते हैं तमाम उग्रवाद दुनिया से खत्म हो जाए, हमारे मुल्क में अमन हो, सुकून हो, रहमत की बारिश हो और हमारा सबका एक भाईचारा हो, कायम दायम रहे। ये हमारा पैगाम है। थोड़ा आगे लेंगे, आगे लेंगे, आगे। क्या नाम आपका? नूर मोहम्मद जनाब। बताएंगे ये हमारा आज आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दिन है। हम अमन और शांति से जुलूस निकाल रहे हैं, हमारा आपस में भाईचारा कायम रहे, हमारा हमारे हिंदुस्तान में अमन और चैन रहे, हम सब के लिए यही दुआ करते हैं। मेरा नाम बशीर अहमद है सर, बशीर अहमद। बहुत अच्छा सर, हम आप सल आप नबी पाक अली सलातुस्सलाम की विलादत है, उसका विलादत का दिन मना रहे हैं। अगर एक आम इंसान मनाए तो हम अपने नबी का क्यों ना मनाएं, और पूरी इंसानियत के लिए खुशी का दिन लेके आए हैं। मेरे नबी ने सबको अमन का पैगाम दिया है, हम अमन के साथ निकालना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए मेरा नबी रहमत बन के आया, और सबको हम सब मुसलमानों तमाम हिंदू सिख ईसाई सब के लिए अमन और सुकून का दर्श दिया है। और क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शरीफ बानी है। आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म पैदाश दिन जो हम ईद उल मिलाद नबी का दिन बना रहे हैं, अपने पूरे ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपसी भाईचारा, आपसी मजबूती, आप नरमी के साथ चलना, अच्छे काम करना, लोगों को अच्छी तरफ लेके जाना, बुरे कामों से बचना, आज हम जो ये पैगाम दे रहे हैं ये एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं सर, कि आज पूरी दुनिया के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन मना रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि आप हमारे यहाँ ईदगाह में जो प्रोग्राम है वहाँ आप उसको पूरा कवर करें। अब्दुल गनी हाजी, आज हमारा अल्लाह के नबी का पैदाइश दिन है और हम बड़े आराम से और भाईचारे से हम सभी के लिए दुआ करते हैं, हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं, हमारा सभी का भाईचारा रहे। अदवर देखिए, मैं आज अपने पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से, बिलखसूस कठुआ की अवाम के तरफ से, पूरे आलम इस्लाम बिलखसूस अपने हिंदुस्तान के वासियों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के दिन का जो हमारा मकसद है, हमने इस रैली को एक पीस रैली का नाम दिया है, क्योंकि आज के दिन हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने
अमन का पैगाम दिया था, उनके आने से पहले अरब शरीफ के अंदर तरह तरह की बदकारियां बदअमनियां अच्छा आम हो चुका था, बेटियों पे जुल्म होता था। हमने आके अमन का पैगाम दिया और खास अहमान ये दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आप इसमें भाई भाई मिल के रहना, भाईचारा बना के रखना, पड़ोसियों का हकूक होना चाहिए। ये मेरे हजूर का पैगाम है जो आज के दिन हम पीस रैली की शक्ल में हम पूरे कठुआ के जरिए पूरे आवाम को देना चाहते हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब, मैं सबसे पहले तो अपने कठुआ वासियों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दूसरा हमारे पूरे हिंदुस्तान को, आलम इस्लाम को और तमाम मानने वालों को इसका सलाम पेश करता हूँ। सभी को मुबारकबाद, खास करके ये आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा मुबारक दिन है और हम आज जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मालूम हो कि मुसलमानों में भी मोहब्बत है, हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारे देश को सलामत रखे। और आज जो ये मुबारक दिन है जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आज ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। मैं सबसे पहले आपके लिए भी दुआ करता हूँ जो आप वीडियो बना रहे हैं, हमारे कठुआ में जितने मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हैं सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि सभी साधु आबाद रहें। और आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, ये मेरे लिए भी आपके लिए भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमार सल्लाक इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, ए महबूब हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाया, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, मेरे और आपके लिए और जितने लोग देख रहे हैं आप सबके लिए मेरे नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए। मैं आप सबको आज की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मौला ताला मुझे और आपको सलामत रखे। और जो ये हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं ये माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट भी करें और ये हमेशा हमारी हेल्प में हमारी सेवा में लगे रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, खासकर हमारे कठुआ में जो हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है इसे हमेशा कायम उदायम रखे, इसे सलामत रखे और हमारे कठुए वाले हमेशा सभी हिंदू मुसलमान आबाद रहें, शाद रहें और सभी को मौला ताला खुश रखे। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। जैसे कि आज बहुत ही मुबारक दिन है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, आज हम लोग सभी इकट्ठे होकर के जुलूस कठुआ की सरजमीन से निकाल रहे हैं। ये जो जुलूस है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में, ये बड़ा मुबारक दिन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, यानी हमारे नबी जो दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए सारे जहान के लिए दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए, तो हम सभी इकट्ठे होकर के आज जुलूस मोहम्मदी को निकाल रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आशिक रसूल जितने भी हमारे आशिक रसूल हैं सब हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार हमारे जुलूस को कामयाब और कामरान अता फरमाए। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है और मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है और सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। हम सभी मिलकर के सभी आजाद के लिए दुआ करते हैं। मैंने पहले भी बात की, मैं आपका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है आप पहले पहुंच जाते हैं। तो आज हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दिन है, तो मैं आपको आज बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं। और मैं एडमिशन एसएसपी साहब, यहां के डीएसपी साहब, कठुआ एसएचओ साहब को भी बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्हें बड़ा अमन और शांति के साथ हमारे जुलूस के साथ पैदल चल रहे हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कर सकें। थैंक यू सर। सर मेरा नाम चौधरी नूर अहमद घटाना, मैं जराई करने वाला हूँ। आज हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है और जिसमें ईद मिलादुल नबी का दिन जो हम पेश कर रहे हैं और इसके बीच जाते हैं हमारे कठुआ के एसएसपी साहब और डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, जो सब ने हमारे साथ एकजुट होकर अपना कीमती टाइम निकाला है और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया बंदे जो हमारे साथ चल रहे हैं सर ट्रेन से प्यादल ईदगाह तक, हम उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.
देखिए इस समय रैली निकाल एरिया देखिए आपने, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ। और गला बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो दिन है जिसने ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, आज हम उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमन और सुकून का, भाईचारे का हम एक पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा बुजुर्गाना कौल है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, और हमारे पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिस वतन में रहो उस वतन में मोहब्बत रखो, और कठुआ की सरजमीन पर बसने वाले लोगों को मेरा यही पैगाम है कि हमने आपस में भाईचारा बनाकर रखना है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। आज हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को एक रैली की शक्ल में निकल कर अपनी खुशी को इजहार कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को अमन का और मोहब्बत का पैगाम दिया, और सारे जहान के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए। मुसलमानों के लिए तमाम इस ज़मीन पर बसने वाले चरिंद परिंद इंसान जिन्नात हयावानात सब के लिए मेरे नबी रहमतुल्लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि हमने इस हिंद की सरजमीन पर अमन और सुकून से मिलजुल कर रहना है, बस मेरा इतना ही आपसे कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में विलादत बसाद के मौके पर खुशू जुलूस निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह यह तमाम हजरात मुस्लिम भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आंद आमद पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अमन और शांति के साथ ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल रहे हैं, और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अन करीब इस जुलूस को अपने मंजिल मकाम पर इंतजाम किया जाएगा, और इंशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बरकत से मालामाल होंगे। अगर कहीं जिसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है वो पीछे आ जाए, पिछले सामने आ जाए, ये मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग। हर लोग मीडिया के सामने जाना चाहता है, हर लोग सोशल मीडिया के सामने जाता है, क्या मजाक है? कोई शर्म करो अल्लाह के खुदा के लिए, आप किस नबी के जश्न में शामिल हो? आप जिसको चाह है जाना तो चला जाते हैं, हम यहाँ
नबी का। कितने लोग आए वहाँ? 2-3 हज़ार होंगे लोग, 3 हज़ार से ऊपर है सर, ऊपर होंगे। हाँ, जश्न मनादुल नबी बन रहा है सर। जी सर, आप देख रहे हैं विशेष समुदाय द्वारा निकाला गया एक जुलूस।